आज पेपा के प्लेग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव, ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। आज वैलेंटाइंस डे है। डैडी पिग को वैलेंटाइंस डे बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। मम्मी पिग को बड़ा सा सरप्राइज देने के लिए हमें ढेर सारी सजावट करनी है। कौन सा बड़ा सरप्राइज? जब मम्मी पिग घर आएंगी तो हम वैलेंटाइंस डे के लिए उन्हें एक खास सरप्राइज देंगे। चलो शुरू करें। पेपा और जॉर्ज वैलेंटाइंस डे की सजावट करने के मजे ले रहे हैं और डैडी पिग को सजावट टांगने में मजा आ रहा है, लेकिन डैडी पिग सावधानी से काम नहीं कर रहे हैं। और बेहतरीन, अब आगे क्या करें? शायद हमें सफाई करनी चाहिए। ओह, चलो हम पहले वैलेंटाइन्स पैनकेक बनाते हैं। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग दिल के आकार के पैनकेक्स बना रहे हैं। अब थोड़ी मजेदार विस्किंग करते हैं। ये मजेदार है। पेपा को विस्किंग पसंद आ रही है। पेपा को विस्किंग वाकई पसंद है। सावधान, इधर उधर मत फैलाओ, नहीं तो हमारे पास काम के लिए जरूरी मिक्स नहीं बचेगा। वैलेंटाइन्स पैनकेक्स। बढ़िया, अब हमें सफाई कर लेनी चाहिए।
लेकिन क्यों ना हम एक वैलेंटाइंस डे कार्ड बनाएं डैडी? ओह हाँ। डैडी पिक समझ नहीं पा रहे हैं कि कार्ड बनाए या पहले सफाई करें। चलो जल्दी। पेपा और जॉर्ज वैलेंटाइन कार्ड बनाने में डैडी पिक की मदद कर रहे हैं, लेकिन मम्मी पिक लगभग घर पहुंच चुकी है। और हो गया, अब सफाई के लिए भी काफी समय है इससे पहले कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हमने आपके लिए कार्ड बनाया है और पैनकेक्स भी। कितना प्यारा सरप्राइज है, सभी को धन्यवाद। काम करते समय चीजें थोड़ी फैल गई, लेकिन वैलेंटाइंस डे की आखिरी सरप्राइज है घर की सफाई, है ना? मम्मी पिक को उनका वैलेंटाइन सरप्राइज बहुत पसंद आया और पेपा, जॉर्ज और डैडी पिक को इसे तैयार करना और इसके बाद सफाई करना भी। ये क्रिसमस के पहले की शाम है और डैडी पिक क्रिसमस ट्री को कार में रख रहे हैं ताकि इसे घर ले जाकर सजाया जा सके। पेपा मदद कर रही है। पेपा? ओ? हमारे पास सजावट का सारा नया सामान है। चिड़िया। बहुत बढ़िया। चलो अब घर चलते हैं। पेड़ को सजाने के लिए सब बहुत जोश में है। हम क्यों रुक गए डैडी? मुझे नहीं लगता कि हम इस पेड़ के साथ सुरंग में फिट हो पाएंगे। चलो धीरे से जाने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, पेड़ के पत्ते थोड़े गिर रहे हैं। हमें लंबे रास्ते से होकर जाना होगा। कार इतनी उछल क्यों रही है? सड़क पर लगे पेड़ हमारे कार के पेड़ से टकरा रहे हैं। अरे नहीं, शायद ये बिना पेड़ वाली सड़क सही रहेगी। इस सड़क पर कोई पेड़ नहीं है, इसलिए हवा क्रिसमस ट्री को उड़ा रही है। अरे नहीं, मुझे लगता है सारे पत्ते रास्ते में ही गिर गए होंगे। लेकिन हमें क्रिसमस के लिए पेड़ चाहिए। चिड़िया। जॉर्ज ने पेपा को एक आइडिया दिया है। हम अभी भी पेड़ को सजा सकते हैं और इसे क्रिसमस वाला पेड़ बना सकते हैं। ये कितना शानदार आइडिया है पेपा। पेपा और उसका परिवार अपने नए और खास तरह के क्रिसमस ट्री को सजाने में लग जाते हैं। हुरे, ये प्यारा लग रहा है। इस चिड़िया को भी क्रिसमस ट्री प्यारा लग रहा है। चिड़िया। बहुत बढ़िया पेपा, अब चिड़िया भी क्रिसमस मना सकती है। चिड़िया को अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। सबको अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। हो हो हो। ये कितना पिलपिला है। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज खूब सारे गेम्स खेल रहे हैं। ये जेली जैसा लगता है। सही। आहा, ये एक केले जैसा लग रहा है। फिर से सही। टेस भी केले जैसा लग रहा है। तुम्हारी बारी पेड्रो। लेकिन मुझे पिलपिली सी चीजें छूने में अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, हमारी पिलपिले चीजें स्वादिष्ट थी।
ओह, ये ठंडा है और मेटल से बना है। क्या ये एक चाबी है? हाँ हाँ। शाबाश पेड्रो। ये हमारे मिस्ट्री बॉक्स की चाबी है। हमें इनाम तक पहुंचने के लिए दो और ढूंढनी होंगी। हम बाकी चाबियां कैसे ढूंढेंगे मैडम गिजेल? बेशक, अपने अगले गेम में। ये पिन्याटा है। इनके अंदर दिलचस्प सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन ये कैसे करे? तुम्हें ने मार के खोलना है इस नाजुक फोम के बैट से। इसमें बर्फ ही बर्फ है। मेरा भी। दूसरी चाबी। बस अब एक और चाहिए। मुझे पास्ता पार्सल बहुत पसंद है। मुझे भी। मुझे भी। ओह, मुझे लगा मैं जीत गया। ये गाना तो बहुत ही लंबा है। ये क्या है? ओह, म्यूजिक रुक गया। अब पेपा और उसके दोस्तों को तीनों चाबियां मिल गई है। अब उनके इनाम पाने का समय है। क्रिसमस बिस्किट्स। यम। तुमने कर दिखाया पेपा। सबने ये मिलकर किया है पेड्रो। ये लो पेपा। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप अमेरिकन फुटबॉल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये तो बहुत उछलने वाला अंडा है। ये अंडा नहीं, ये फुटबॉल है। नहीं, फुटबॉल्स गोल होती है और आप उसे फेंकते नहीं, किक करते हो। ये अमेरिका की खास फुटबॉल है। अमेरिकन फुटबॉल अंडे के आकार की होती है और आप ज्यादातर उन्हें फेंकते हैं। अजीब गरीब अंडे सी बॉल। अंडे सी बॉल, अंडे सी बॉल, अंडे सी बॉल। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज अमेरिकन फुटबॉल किट वाली ड्रेस पहने हुए हैं। तुम सब अपनी किट में शानदार लग रहे हो, खास करके तुम पेड्रो। हर टीम को चाहिए होता है एक मैस्कॉट। अब तुम खेलने के लिए तैयार हो अमेरिकन फुटबॉल? मेरा मतलब है अंडे जैसा बॉल। अंडे जैसा बॉल। पॉइंट जीतने के लिए अंडे जैसी बॉल को अच्छी तरह कैच करना आना चाहिए। पकड़ लिया। ओ, 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 तुम इस तरह से बॉल को किक करके बड़ा गोल करके भी पॉइंट्स पा सकते हो। पेपा, क्या तुम बॉल को किक करके गोल करना चाहोगी? किक करके आम फुटबॉल की तरह मुझे करना अच्छे से आता है। मुझे नहीं लगता अंडे जैसी बॉल आम फुटबॉल की तरह मजेदार है। सूजी, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? पेपा ने बॉल कैच कर ली है और उसे मिलता है एक पॉइंट। मैंने कर दिखाया। अमेरिकन फुटबॉल की सबसे बढ़िया बात है
मेरा मतलब है अंडे जैसे बॉल की, कि जब आप पॉइंट स्कोर करते हैं तो आपको डांस करना होता है। पेपा और उसके दोस्तों को अंडे जैसी बॉल पसंद है, सभी को अंडे जैसी बॉल पसंद है। आज पेपा और जॉर्ज क्रिसमस लंच बनाने में मदद कर रहे हैं। वो सब्जियों को नहला रहे हैं। हाँ, उन्हें चाहिए बार टॉयज। ये लो सब्जियों। मैंने सब्जियां धोने को कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने आलू पका दिए हैं, क्यों ना तुम और जॉर्ज उन्हें मसल दो। अपने हाथों से नहीं, इनसे। ठीक है डैडी। अब आगे क्या करना है मम्मी पे? हो गया। ओ, इतनी जल्दी हो गया? हो, तुमने तो आलू का इग्लू बना दिया, मजेदार है। अब केक को आइसिंग करने में मेरी मदद करो। हाँ प्लीज। थोड़ी सी हरी आइसिंग और थोड़ी थोड़ी सफेद आइसिंग लगा दो, ये मिसल्टो जैसा लगता है। हुरे, हमारी बारी, हमारी बारी। ये लो पेपा, तुम पत्तियां बनाओ। और जॉर्ज तुम ऐसे। वैसे ऐसे तो नहीं, लेकिन इसमें मिसल्टो से ज्यादा मजा है। ये तो लग रहा है एक स्नोमैन। स्नोमैन। ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग क्रिसमस लंच पर आ रहे हैं। सभी को क्रिसमस मुब। ओ ओ माँ। पेपा और जॉर्ज का क्रिसमस लंच ग्रैनी पिग की उम्मीद से ज्यादा उथल पुथल वाला था। पेपा और जॉर्ज ने क्रिसमस लंच बनाने में हमारी मदद की है। हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते। नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा मजा है। पेपा और उसका परिवार एक बढ़िया से क्रिसमस लंच का मजा ले रहे हैं। जिसमें खूब हंसी ठहाके हैं। और कुछ मजेदार नए रिवाज भी। हैप्पी क्रिसमस सबको। हैप्पी क्रिसमस। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है, इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बो को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है।
अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। पेपा के परिवार ने न्यू ईयर्स ईव पार्टी रखी है और सारे मेहमान आ रहे हैं। हेलो पेपा, क्या तुम आधी रात तक जागने के लिए तैयार हो? मैं झपकी लेने जा रहा हूँ ताकि मैं पटाखों के वक्त जाग सकूँ। लगता है जॉर्ज को भी नींद की जरूरत है। क्या तुम सोना चाहोगी पेपा? नहीं मम्मी, हम बड़े हैं, इसलिए हम सब आधी रात तक जाग सकते हैं। चलो मेरे कमरे में खेलते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी? जाओ जाओ पापा, तुम सो गई थी। नहीं मैं नहीं सोई थी, मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं चाहिए। हम कैसे जागते रह सकते हैं? चलो मिलकर कूदते हैं, तो हम वाकई जागते रहेंगे। चलो कोशिश करें। मुझे पता है हम किस तरह से जगे रह सकते हैं। लुका छुपी, मेरी बारी है। एक, दो, तीन, और ये मैं आया। तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें ढूंढ लिया। अरे मैं नहीं सो रही हूँ। हाँ, तुम्हें ढूंढ लिया पेपा। क्या मैं नहीं सो रही थी? पेपा और उसके दोस्त जगे रहने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम सब जाके कुछ खाते हैं। ये मजेदार है, अब मेरा पेट भर चुका है, अब मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। एमिली जागो। जागो, लगभग आधी रात हो चुकी है। हम लगभग चूक गए थे। शायद तुम्हें हमारी तरह झपकी ले लेनी चाहिए थी। पटाखों का समय हो गया है। पेपा को न्यू ईयर ईव पर जगे रहना बहुत पसंद है। सभी को न्यू ईयर ईव पर जगे रहना बहुत पसंद है। पेपा और सूजी शीप ने आज कपड़े उल्टे पहनने का फैसला किया है। गुड बाय सूजी। गुड बाय पेपा। पेपा, सूजी, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहन रखे हैं? और तुम दोनों पीछे की तरफ क्यों चल रहे हो? क्योंकि आज है बैकवर्ड्स डे। आज आप सब उल्टा बोलते और करते हैं। मैं नहीं, हम नहीं करते।
वाह, मजे करो। बिल्कुल नहीं। पेपा और सूजी शीप बगीचे में पीछे की तरफ से एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। सूजी, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। पीछे की तरफ वाले खेल खेलना बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ गए सूजी? आ रही हूँ। मुझे पता है, चलो पार्क में बैकवर्ड्स गेम खेलते हैं। मिस्टर बुल पेपा और सूजी शीप को पीछे की तरफ उछलते देखकर काफी उलझन में पड़ गए। गुड मॉर्निंग, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? आज बैकवर्ड्स डे है, हमें सब कुछ करना है बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स डे आ चुका है। मैं भी अपनी बैकवर्ड ड्रिल्स तैयार करता हूँ। माफ करना। पेपा और सूजी शीप पार्क में खेलकर अपना बैकवर्ड्स डे बिताती है। पीछे से झूलना वैसे ही लगता है जैसे आगे से झूलना। लेकिन सारे खेल पीछे से खेलने में मजेदार नहीं होते। ये पीछे से है। नहीं, ये पीछे से है। चलो फ्रिस्बी को पीछे से खेलते हैं। पकड़ो। किस किस को चाहिए आइसक्रीम? ये। ओ, मेरा मतलब नहीं। तुम लोग मजेदार बैकवर्ड्स डे बना रहे हो। मैं अपनी आइसक्रीम खाऊंगी पीछे से। ऊपर से नीचे की तरफ होना पीछे होने जैसा नहीं है। ये सब काफी उलझन वाला है। मुझे लगता है बैकवर्ड्स डे अब शायद खत्म हो गया है। पेपा और सूजी शीप ने बैकवर्ड्स डे के मजे लिए, लेकिन वो बहुत खुश है कि चीजें अब बैकवर्ड्स नहीं रही। एमिली एलिफेंट स्पेस हॉपर पर उछल रही है। तुम सैंडपिट में कूद फंद क्यों कर रही हो एमिली? ये मेरा नए साल का संकल्प है। वो क्या है? ये एक चैलेंज है जो तुम्हें पूरे साल करना होगा। मेरा चैलेंज उछलना है। मुझे भी नए साल का संकल्प लेना है। पेपा और उसके दोस्त अपने नए साल के संकल्प लेने जा रहे हैं। मैं स्कोर करूंगा गजिलियन गोल। मुझे एक बहुत ही मुश्किल भाषा सीखनी है। बिंगली बैंगली विबली वॉबली विबली वॉबली। मैं एक चीता बनूंगी। मुझे लगता है मेरे नए साल का संकल्प होगा कीचड़ भरे गड्ढे में कूदना। मुझे बस उन्हें ढूंढना होगा। छः, एक, नौ, चार। डैनी डॉग अपनी गिनती में गलतियां कर रहा है और बहुत थक गया है। कैंडी कैट की दहाड़ ने एमिली एलिफेंट को डरा दिया है। एमिली एलिफेंट ने अपना स्पेस हॉपर खो दिया है। कहाँ खो तुम कीचड़ भरे गड्ढो? पेपा को कोई कीचड़ वाला गड्ढा नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हें कीचड़ भरा गड्ढा दिख रहा है सूजी? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। मेरा मतलब है गड्ढा वड्ढा कीचड़ बीचड़। सभी को अपने नए साल के संकल्प काफी मुश्किल लग रहे हैं। तुम सब क्या कर रहे हो? हम अपने नए साल का संकल्प ले रहे हैं। 11वीं 12वीं। मेरा कीचड़ के गड्ढे में कूदना है, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिल रहा। हो, नए साल के संकल्प मतलब इस तरह के चैलेंज लेना नहीं होता है। ऐसा नहीं है क्या? नहीं, उनका मतलब होता है अगले साल के लिए अच्छी चीजें करना, जैसे घर के काम में मदद करना या अपने कमरे की साफ सफाई।
अरे ये तो गजिलियन गोल करने से भी ज्यादा आसान लगता है। तुम अपनी बात करो। 101, 102, 103। आज पेपा के प्ले ग्रुप का स्पोर्ट्स डे है। एक पिंक टीम है और दूसरी ब्लू टीम। वो गोल्ड मेडल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जीतने वाली हूँ। रेबेका रैबिट को सैक रेस काफी मुश्किल लग रही है। पिंक टीम की एमिली एलिफेंट ने सैक रेस जीत ली है। हुरे! तुम काफी तेज हो। स्क्वीक! अरे नहीं, मैं हार गई। तुमने पूरी कोशिश की और हम अभी भी जीत सकते हैं। अब समय आ गया है अंडा और चम्मच रेस का। और तेज पेपा। स्क्वीक! लेकिन पेपा को तेज दौड़ते हुए अपने अंडे को संभालने में परेशानी हो रही है। थोड़ा धीरे पेपा, अंडा ना गिर जाए। ठीक है। थोड़ा धीरे डैडी। लेकिन इतना भी धीरे मत चलो। थोड़ा धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, नहीं और तेज। ओह, नहीं। हमने फिर दिखाया, हमने रेस जीत ली है। वाह! दोनों टीम में टाई हो गई है। अगला गेम रिंग टॉस का है। जो टीम लकड़ी की छड़ी पर सबसे ज्यादा रिंग्स फंसाएगी, वो स्पोर्ट्स डे जीत जाएगी। हर टीम को इसके लिए एक पॉइंट मिलेगा। ये! हर टीम के लिए एक और पॉइंट। ये अब भी ड्रॉ है। रेबेका और फ्रेडी, अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं चूक गई तो हम हार जाएंगे। जीत की परवाह मत करो, बस बेहतरीन खेलो और खूब मजे करो। हम हार गए। स्क्वीक! लेकिन हमें बहुत मजा आया। तुमने सही कहा पेपा। बहुत बढ़िया पिंक टीम। ये! आपको मिलते हैं गोल्ड मेडल्स। और ब्लू टीम भी बहुत अच्छा खेली, इसके लिए उन्हें मिलते हैं सिल्वर मेडल्स। वाह! पिंक टीम और ब्लू टीम दोनों को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। सभी को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती, ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी, एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम
तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पापा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। पेपा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पेपा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी न जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया, मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। पेपा अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलते हुए खूब मजे कर रही है। कितना ठंडा है। लेकिन वो जो भी खेल खेल रहे हैं उसमें वो अपने आप को ठंडी बर्फ से ढक रहे हैं। हेलो डैडी। पापा, तुम बर्फ से ढक चुकी हो। मुझे लगता है अब तुम्हें अंदर के गर्म माहौल में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम एक बर्फीली दानव में बदल जाओगी। बर्फीली दानव जैसी कोई चीज नहीं डैडी। क्या हम 5 मिनट और खेल सकते हैं? ओ ठीक है, 5 मिनट और। अरे बाप रे। पेपा और उसके दोस्त बर्फ में खूब सारे खेल खेल रहे हैं। उन्हें बर्फीले दानव बनने की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। चलो बर्फ की गेंद बनाकर खेलते हैं। वो शोर कैसा था? ऐसी आवाज थी। क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है? एक बर्फीला दानव। चलो छिप जाते हैं। अरे बाप रे। चलो यहाँ छिपते हैं। बर्फीला दानव हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। बर्फीले दानव ने उन्हें ढूंढ लिया। पापा, ये तो मैं हूँ। ये बर्फीला दानव नहीं है। ये है डैडी पिग। मैंने कहा था ना, बर्फीले दानव जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए डैडी, हम आपको गर्मी में ले चलते हैं और ये बर्फ पिघला देते हैं। और रास्ते में मेरे चश्मे भी ढूंढ लेंगे। ओह, आपका चश्मा। थैंक यू सूजी। डैडी पिग घर के गर्म माहौल में वापस आकर बहुत खुश है। अब वो बर्फीले दानव बिल्कुल नहीं रहे। सारे लोग गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का मजा ले रहे हैं। बर्फीले दानव को भी हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। वाह! आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप बग म्यूजियम की सैर पर जा रहे हैं। सब मेरे पीछे आओ। स्क्वीक, बड़े बग्स।
इस कमरे में सिर्फ चींटियां ही हैं। यहाँ तक कि यहाँ देखने के लिए रोबोटिक चींटियां भी है। चिंता मत करो, ये असली चींटी नहीं है, ये है बड़ा रोबोट। मुझे रोबोट पसंद है। चींटियां टीम की तरह काम करके अपनी रानी के लिए खाना लाती हैं। क्या तुम चींटियां बनना चाहोगे? क्या मैं रानी बन सकती हूँ? पेपा के दोस्त चींटियों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें फोम वाला पत्ता रानी पेपा तक लाना है। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने टीम में बिल्कुल चींटियों जैसा काम किया। इस कमरे में सिर्फ मधुमक्खियां ही है और पहनने के लिए मधुमक्खी के कपड़े भी है। बिल्कुल मधुमक्खी लग रहे हो। क्या तुम मधुमक्खी के छत्ते में अपना रास्ता ढूंढ सकते हो? ठीक है, चलो। सभी को मधुमक्खी बनना पसंद आ रहा है, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता काफी उलझन भरा है। वो खो गए हैं। मधुमक्खी अपना रास्ता तलाशती हैं सूरज को देखकर। हम लोग भी सूरज का पीछा कर सकते हैं। सभी असली मधुमक्खियों की तरह अपना रास्ता तलाशने के लिए सूरज का पीछा करते हैं। सभी बढ़िया काम कर रहे हो। आखिरी कमरे के अंदर कुछ बहुत ही खास है। ये कितना सुंदर है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है। अंदर कुछ काफी रंग बिरंगा है। क्या ये तोता है? इसके बड़े पंख हैं। या एक ड्रैगन? और ये हुआ करता था एक कैटरपिलर। ये है तितली। पेपा और उसके दोस्तों को बड़े से बग म्यूजियम में बग्स के बारे में सीखना पसंद आता है। मिल गया, ये तो बड़ा सा है। दादी पिग पेपा और जॉर्ज से लंच के लिए कुछ फल और सब्जियां ढूंढने के लिए कहती हैं। लिस्ट में पहली चीज है वो फल जिसका रंग हो सकता है लाल या हरा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? जॉर्ज, हमारे पास खाने का समय नहीं है, हमें लंच के लिए फल ढूंढने होंगे। सेब वो लाल या हरे हो सकते हैं। अगली चीज हमें ढूंढनी होगी एक लंबी सब्जी जो नारंगी रंग की हो और हो कुरकुरी। मुझे पता है, रिबेका रैबिट हमेशा प्ले ग्रुप में गाजर लाती है। वो लंबे नारंगी और कुरकुरे होते हैं। दादाजी, गाजर के पेड़ कहाँ है? सारी सब्जियाँ पेड़ों पर नहीं उगती, कुछ सब्जियाँ जमीन के अंदर भी उगती है। मैं मदद करती हूँ जॉर्ज। लिस्ट में अगली चीज है वो सब्जी जो दिखती है छोटे पेड़ों जैसी। दादाजी, मुझे सिर्फ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, छोटे बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे पेड़ों जैसे लग रहे हैं। ये है ब्रोकली। बहुत बढ़िया पेपा। लिस्ट में आखिरी चीज है संतरे। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई संतरे उगाए हैं। अगर यह संतरे है तो मैं और जॉर्ज उन्हें ढूंढ निकालेंगे। दादाजी, पेपा और जॉर्ज हर तरफ संतरे को ढूंढ रहे हैं। संतरा।
रंग तो सही है लेकिन हम ये चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। संतरे होते हैं गोल लेकिन उन्हें संतरे कहीं भी नहीं मिलते हैं। हमें संतरा मिल गया। ये एकदम सही रंग है और ये गोल भी है लेकिन ये कद्दू है। संतरे। आपको ये संतरे कहाँ से मिले दादी जी? हम इन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सुपरमार्केट से और क्या। स्नैप। पेपा अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रही है। मुझे स्नैप खेलना पसंद है, मैं इसमें जीतती रहती हूँ। मुझे स्नैप बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा को गेम जीतना पसंद है। स्नैप मुझे पता है। चलो इसकी जगह हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। सांप सीढ़ी। लेकिन मैं जीत रही थी। एक दो तीन चार। मैं जीतने वाला हूँ। दो जगह। अब मुझे एक सीढ़ी चढ़नी है। मैं फिनिश लाइन के एकदम पास हूँ। अब तुम्हारी बारी है रेबेका। अरे बाप रे, अगर रेबेका सांप से नीचे आ गई तो वो नहीं जीत पाएगी। मुझे पता है, चलो हम सब मार्बल रन खेलते हैं। मुझे मार्बल रन पसंद है। लेकिन मैं जीतने वाला था। मेरा पिंक मार्बल जीत रहा है। मुझे पता है, चलो हम पैक द पैरेट खेलते हैं। ठीक है, मुझे पैक द पैरेट पसंद है। लेकिन मेरा मार्बल जीत रहा है। ये उछलने वाला है, मैं नहीं देख सकती। ठीक है, चलो फिर से स्नैप खेलते हैं। सांप सीढ़ी। पेपा और उसके दोस्तों को गेम्स बदलना पसंद है और उनको गेम्स बदलना इतना पसंद है कि वो भूल गए कि आखिर जीत कौन रहा है। पापा, मुझे लगता है कि हम सब जीते। अरे रे, मुझे लगता है कि नए खेल का समय है, मतलब साफ सफाई। प्ले ग्रुप के लिए तैयार होने का समय हो गया है पापा। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पापा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओ पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो। कितना मजेदार होता है। मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह, कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओह, और कुछ ब्रसल्स स्प्राउट्स।
शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए एक थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या? शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओह, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओह, क्या हम स्लेट से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा, क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेसअप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेसअप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ जरूर। प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा को वापस प्ले ग्रुप जाना भी अच्छा लगता है। सभी को प्ले ग्रुप जाना अच्छा लगता है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिक का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। आज वैलेंटाइन्स डे है। पेपा पिग और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के लिए खास डिनर तैयार कर रहे हैं। ग्रैंडपा पिग मदद कर रहे हैं। अरे रे,
आज हम वैलेंटाइन डे के लिए खास पिज्जा बना रहे हैं ग्रैनी पिग। क्योंकि वैलेंटाइन डे का मतलब दूसरों को अपना प्यार दिखाना होता है। मुझे पता है, हम दिल के आकार का पिज्जा बना सकते हैं। चलो अब गूंथे हुए आटे को हवा में उछालते हैं, जैसे वो रोम में करते हैं। पता है रोम इटली में है। जैसे रोम में करते हैं। हम बगीचे से सब्जियां लाकर इसे कवर कर सकते हैं। मम्मी और डैडी पिग को नहीं पता कि क्या चल रहा है। पेपा और जॉर्ज सब्जियों को इकट्ठा कर रहे हैं। पिज्जा पर खूब सारी टॉपिंग्स होने वाली है। चलो सब्जियों को अंदर लेकर चलते हैं। पेपा और जॉर्ज अपने पिज्जा पर सब्जियों को डालते हैं। मुझे पता है कि पिज्जा को और खास कैसे बनाया जाए। हम मम्मी और डैडी पिग का पसंदीदा खाना इसमें शामिल कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया पेपा। उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है? स्पगेटी और चॉकलेट केक। हमें मम्मी और डैडी जैसा दिखने वाला पिज्जा बनाना चाहिए। पेपा और जॉर्ज पिज्जा टॉपिंग से चेहरे बनाते हैं। अब ये वाकई खास है। जॉर्ज। ये रहे आपके एकदम खास वैलेंटाइन्स डे पिज्जा। चॉकलेट केक मेरा पसंदीदा। डायनासोर। एक स्पगेटी डायनासोर। धन्यवाद पेपर जॉर्ज। देखने से ही खाने का दिल कर रहा है। मम्मी और डैडी पिग को लगता है कि वैलेंटाइन डे वाकई बहुत खास रहा है। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी,
हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिलडुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुंच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। Ha 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 ha